प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यास चक्रवात से प्रभावित पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। इसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने यास प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा के इलाकों का हवाई सर्वे भी किया था। दरअसल 26 मई को आए यास चक्रवात से पश्चिम बंगाल, ओडिशा से लेकर बिहार और झारखंड तक असर देखा गया। शनिवार को भी बिहार, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक यास चक्रवात के कारण आंधी, तूफान और बारिश का कहर रहा। यास चक्रवात से बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में शुक्रवार से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पटना के कई इलाकों से लेकर अस्पतालों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को भी यास चक्रवात के कारण कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। यास चक्रवात के कारण पटना, गया, पूर्णिया, वैशाली, पूर्वी चंपारण, अररिया, बेगूसराय, समस्तीपुर, जमुई, मधुबनी में झमाझम बारिश हुई है। बिहार सरकार ने यास चक्रवात से राज्य में हुए नुकसान को देखते हुए मुआवजे का ऐलान भी किया है। मौसम विभाग का दावा है कि यास चक्रवात के कारण बिहार में मानसून की बारिश काफ़ी बेहतर भी रहेगी। अगर झारखंड की बात करें तो यास चक्रवात के कारण पिछले दो दिनों में 700 गांव और 10 जिलों के कम से कम 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। यास से दो लोगों की मकान गिरने से मौत हो गई, वहीं 18 अन्य लोग घायल हो गए। शुक्रवार की शाम तक झारखंड में यास तूफान का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो राज्य में यास चक्रवात के कारण कम से कम 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। करीब 1,500 मकान ध्वस्त हो गए। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात यास के कारण उत्तर प्रदेश में भी प्रभाव दिखा है। वाराणसी, बलिया, गाजीपुर जैसे शहरों में बारिश होती रही। मई महीने में तो वाराणसी में शुक्रवार को रिकॉर्ड 32.8 मिलीलीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 26 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट को पार करने के बाद यास चक्रवात काफ़ी तबाही लेकर आएगा। झारखंड और बिहार पहुंचने के बाद चक्रवात का असर कम हुआ, लेकिन बारिश के कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।